नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अंतु तिवारी। आप देख रहे हैं चल वक्त हो गया है देश और दुनिया की कुछ खास खबरों का। देश का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक देश की महिलाओं के लिए स्पेशल स्कीम लेकर आया है, जिसके जरिए आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। इन स्कीम में बैंक की ओर से महिलाओं की फाइनेंशियल हेल्प की जाती है, जिससे वह अपना बिजनेस सेटअप कर सके और उनको पैसों की कोई भी परेशानी ना हो। आइए आपको पीएमबी की चार खास स्कीम के बारे में बताते हैं। आपको बता दें कि बैंक की इन चार स्कीम के जरिए आप अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। इसके साथ ही इन बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको पैसों की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। पीएमबी ने ये सभी स्कीम महिलाओं को ध्यान में रखकर ही लॉन्च किया है। सबसे पहला जो स्कीम है वो है पीएमबी महिला उद्यमी निधि स्कीम। पीएमबी महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए पीएमबी महिला उद्यमी निधि स्कीम के तहत लोन की सुविधा देती है। इस स्कीम के जरिए आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बैंक महिलाओं को उनका नया व्यापार शुरू करने में मदद करता है। इसके साथ ही नई तकनीकी व्यापार को बढ़ाना और नए हुनर को लेने में भी मदद करना शामिल है। दूसरा पीएमबी महिला समृद्ध योजना। इस योजना के तहत चार स्कीम चल रही है। इस योजना के तहत किसी भी व्यापार या फिर बिजनेस यूनिट में इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करने में मदद मिलती है। इसके लिए आप बैंक से लोन लेकर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं और बिजनेस को आसानी से चला सकते हैं। तीसरा, क्रेच शुरू करने की स्कीम। अगर कोई महिला अपने घर या फिर बाहर क्रेच के बिजनेस को शुरू करना चाहती है तो फिर बैंक उसको मदद करेगा। इस लोन के तहत बैंक महिलाओं को बेसिक सामान, बर्तन, स्टेशनरी, फ्रीज, कूलर, पंखे, आरओ और ग्रोथ मॉनिटर करने के लिए भी मदद करता है, ताकि महिला अपने बिजनेस को आराम से शुरू कर सके। चौथा, पीएमबी महिला सशक्तिकरण अभियान। पीएमबी महिला सशक्तिकरण स्कीम के जरिए आपको बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए फाइनेंशियल हेल्प की जाती है। बैंक इसके लिए स्वयं सहायता समूह या फिर अन्य नॉन प्रॉफिट संस्थानों के जरिए महिलाओं को गैर कृषि कार्यों से संबंधित व्यापार को खड़ा करने में आर्थिक तौर पर मदद करता है, जिससे महिलाओं को अपने लिए बिजनेस खड़ा करने में किसी भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये हमारी खास खबर। इसी तरह की खास खबरों के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।